सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल को और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इंडसइंड बैंक का जो है आप एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम एटीएम कार्ड का जो पिन है भूल जाते हैं या याद नहीं रहता या चेंज करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है पूरी जानकारी के साथ। सो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें ताकि जो जानकारी है आपको पूरी मिल सके। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए आए तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप भी चाहते हैं अपने इंडसइंड बैंक का जो है पासवर्ड या एटीएम कार्ड का पिन जो है जनरेट करना चाहते हैं नया, या आप गलती से भूल गए हैं, तब आप कैसे पता मतलब कि अपने हिसाब से अपना पासवर्ड कैसे सेट कर पाएंगे, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपना इंडसइंड ऐप ओपन कर लेंगे, तो चलिए हम ओपन करते हैं। लॉगिन कर लेंगे आप अपने ऐप को। लॉगिन करना है आपको, सबसे पहले अपना बैंक जो ऐप है, अपने इंडसइंड बैंक का जो ऐप यूज़ करते हैं उसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा ऊपर से जूम करके दिखाता हूँ। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैनेज लिमिट्स, ब्लॉक कार्ड, अगर आपका ब्लॉक हो जाए तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को पिन चेंज करना है या मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, सेट रीसेट पिन पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको अपना CVV कोड जो है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना CVV कोड डाल लेता हूँ। और यहाँ पर आपको ATM कार्ड का लास्ट का जो ईयर है आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में आपके थी, जो बैंक में आपने दिया हुआ है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीज़न के चलते, मेरे को ताकि प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल लेना है। चलिए पैन कार्ड का नंबर डाल लेते हैं। और उसके बाद आपको सब कुछ सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिड एंड प्रोसेस पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस न्यू एटीएम का पिन, यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना पिन जो है चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने हिसाब से अपना पिन जो है बना लेता हूँ। पिन डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट डेबिट कार्ड पिन, आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। ये पूछ रहा है आप श्योर हैं आप अपने एटीएम कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं। यस, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पर यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने जो पासवर्ड या पैटर्न लगा रखा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक OTP आता है, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो कि OTP यहाँ पर आपको डालना है। ये मेरा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, और कई बार आपका नहीं होता है तो मैनुअल भी आप OTP डालकर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया है, मेरा फाइनली जो है ATM कार्ड का जो है पिन चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने इंडसइंड बैंक का जो ATM कार्ड का पिन है चेंज कर सकते हैं, और आपको मैसेज भी आ जाता है। तो फाइनली जो है मेरा चेंज हो चुका है, आप भी अपना चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।